साधारण आदमी के लिए सरकारी स्कूल था, ये खिचड़ी परोसने का विद्यालय बन गया। कोई पढ़ाई नहीं होती है और शिक्षक अपमानित हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी घूम रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। समान वेतन के लिए, समान काज के लिए समान वेतन नहीं देंगे, ये तो छोटा सा बात है। यदि एक ही मजदूर को 250 रुपया मिलता है तो दूसरे को भी 250 मिलना चाहिए। अब न्यायालय में कौन सा खेल हुआ मैं नहीं जानता, ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका को इसमें दखल देना चाहिए। शिक्षकों द्वारा निर्मित यह समाज है, शिक्षकों द्वारा निर्मित यह राष्ट्र है, और उसको इस तरह किस जलील किया जा रहा है। न्यायालय से, कार्यपालिका से, शिक्षक को इतना वेतन दो कि वह भूखा नंगा ना रहे, वह कुंठा का शिकार नहीं हो। कुंठित शिक्षक कुंठित पीढ़ियों को जन्म देगा, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी, अपने चाटुकारों और सलाहकारों से बचो। स्वास्थ्य और शिक्षा बुनियादी आवश्यकता है, खेत खलिहान की स्थिति आप जाना। इसलिए हमें सरकार से लड़ना पड़ा, हमें बगावती स्थिति में आना पड़ा, और ये जो लोग बैठे हुए हैं निश्चित तौर से इनके अंदर एक विचार है, एक धारा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहानाबाद उस विचारधारा का, उस विचारधारा का प्रस्फुटन का एक बड़ा केंद्र होगा, और यह बिहार में परिवर्तन आएगा। आज साझी संस्कृति का संकल्प हमारे अंदर है, सभी मिलकर के हम इस ताकत को मजबूती देंगे। हमने बराबर इस विधा में हमारे पूर्वजों ने लोहिया, जयप्रकाश, जन नायक, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम, जाकिर हुसैन, तमाम ऐसे लोगों ने जिस विरासत को हमें दी है, हम इस विरासत को टूटने नहीं देंगे। हम एक मजबूत बिहार, मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। 19 तारीख को आप अपना आशीर्वाद दें, एक नई ताकत का इजाद होगा। जय हिंद, जय सत्य।